नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है न्यू दिल्ली से मालदा टाउन तक चलने वाली न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नई दिल्ली से पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन तक चलने वाली न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इसका ट्रेन नंबर है 14004 और ये जो ट्रेन है हफ्ते में दो दिन चलती है। नई दिल्ली से हर इतवार और बृहस्पतिवार को ये ट्रेन जो है मालदा टाउन के लिए रवाना होती है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है और ये 29 घंटे 30 मिनट का समय लगाती है नई दिल्ली से मालदा टाउन तक पहुंचने के लिए। और इसके तकरीबन 22 स्टेशंस हैं और 1424 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 48 किलोमीटर पर आवर। और LHB कोचेज वाली ट्रेन है, वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रेन के कौन सा जोन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। अगर बात करें रूट मैप के बारे में तो ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से स्टार्ट होती है, बाद में मुरादाबाद लखनऊ होते हुए ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, फिर पटना जंक्शन जमालपुर भागलपुर होते हुए ये ट्रेन जो है मालदा टाउन पश्चिम बंगाल में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। तकरीबन ये ट्रेन जो है 29 घंटे 30 मिनट का समय लगाती है और 1424 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। अगर बात करें न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर बाकी सभी कोच में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। अब जनरल टिकट जो है मिलनी शुरू हो गई है, तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊँगा वो कोचेज वाइज इसका नई दिल्ली से मालदा टाउन तक का होगा। नई दिल्ली से मालदा टाउन तक ये चलने वाली न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस में फर्स्ट AC का कोच का जो किराया है वो है 3925 रुपये, जिसमें 3678 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 187 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 3925 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जो टोटल किराया है वो है 2315 रुपये, जिसमें 2154 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 111 रुपये है। टोटल किराया 2315 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो टोटल किराया है वो है 1600 रुपये किराया है, और जिसमें बेस फेयर हैं 1483 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज हैं 40 रुपये, 77 रुपये GST चार्ज शामिल है। टोटल किराया 1600 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का नई दिल्ली से मालदा टाउन तक का जो टोटल किराया है वो है 600 रुपये, 580 रुपये, जिसमें बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 600 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बों के तकरीबन 5 कोच हैं। जनरल डिब्बों का किराया लगभग 350 रुपये के करीब है। ये किराया जो मैंने अभी आपको बताया ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो टिकट किराए के अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार के कोच भी शामिल है। इन कोचेस के अलावा पेंट्री कार का कोच से जो है आपको ट्रेन के अंदर जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर डायरेक्टली ये चार्जेस जो है पे करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे नई दिल्ली से मालदा टाउन तक चलने वाली न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर इतवार और बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे 14 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 29 घंटे 30 मिनट का समय लगाती है ये मालदा टाउन पश्चिम बंगाल तक। और इसके तकरीबन 22 स्टेशंस हैं और 1424 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है गाज़ियाबाद और वो है 48 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा स्टेशन है वो है गाज़ियाबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 6:44 पर पहुँचती है और 6:46 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक या दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मुरादाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है रात के 9:02 पर पहुँचती है और 9:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 165 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MB मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 10:35 पर पहुँचती है और 10:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 256 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बरेली जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग में पहुंचती है रात के 2 बज के
25 मिनट पे और 2:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 490 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है LKO। इसके बाद रायबरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में 4:01 पे पहुँचती है और 4:03 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 570 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गौरीगंज रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में 4:47 पे पहुँचती है और 4:48 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 615 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गौरीगंज का स्टेशन कोड है GNG और इसके बाद ये ट्रेन जो है अमेठी रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है। अमेठी रेलवे स्टेशन पे 5:00 पहुँचती है और 5:02 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 628 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। अमेठी रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है AME और इसके बाद ये ट्रेन जो है प्रतापगढ़ जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है 5:40 पे और 5:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 664 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है PBH। प्रतापगढ़ जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुँचती है 8:05 पे और 8:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 792 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वाराणसी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय जिसे कहा जाता था यहाँ पर 9:20 पे पहुँचती है और 9:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 810 किलोमीटर की दूरी जो है नई दिल्ली से यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार के पहले स्टेशन बक्सर रेलवे स्टेशन पे 10:53 पे पहुंचती है और 10:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 903 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बक्सर रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है आरा जंक्शन बिहार में 11:43 पे पहुँचती है और 11:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 972 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आरा जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है पटना जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 1:00 और 1:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1022 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पटना जंक्शन का स्टेशन कोड है PNBE और इसके बाद ये ट्रेन जो है कियूल जंक्शन बिहार में पहुंचती है 4:07 पे पहुंचती है और 4:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1145 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन पे ये ट्रेन जो है जमालपुर जंक्शन बिहार में पहुँचती है यहाँ पर 5:16 पे पहुँचती है और 5:21 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है JMP। इसके बाद जमालपुर के बाद ये ट्रेन जो है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे 5:57 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सुल्तानगंज का स्टेशन कोड है SGG। इसके बाद न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भागलपुर जंक्शन बिहार में 6:40 पे पहुंचती है और 6:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो साहिबगंज रेलवे स्टेशन पे 8:20 पे पहुंचती है और 8:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है SBJ। इसके बाद बरहरवा जंक्शन झारखंड में ये ट्रेन जो है 9:40 पे पहुंचती है और 9:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। पश्चिम बंगाल के पहले स्टेशन पे ये ट्रेन जो है
रात के 10:14 पे पहुंचती है और 10:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1390 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने आखिरी स्टेशन पे न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन जो है मालदा टाउन में रात के 11:30 पे पहुंचती है और अपनी 1425 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं।